वेलकम बैक टू संदली व्लॉग्स। आज है मेरा चंडीगढ़ में तीसरा दिन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे। और आज का दिन हमने रखा है शॉपिंग के लिए, तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ चंडीगढ़ की फेमस सेक्टर 22 की मार्केट, जिसको सरोजिनी नगर मार्केट भी कहा जाता है चंडीगढ़ की। तो आज हम वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके अलावा हम जाएंगे सेक्टर 17 की मार्केट में, थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे शॉपिंग करेंगे और आपको वो सब कुछ दिखाते हैं। सो लेट्स कम गाइस। ये यहाँ से शुरू होती है सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट। शॉपिंग इन शास्त्री मार्केट और अब हम आ गए हैं सेक्टर 17 की मार्केट में, जो बहुत फेमस मार्केट है। लेकिन उससे पहले हमें लग रही है भूख, तो अब हम जाने वाले हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही पुराना, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट इन चंडीगढ़। और मैंने सुना है वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो अब वहाँ पर जाके थोड़ा सा कुछ खाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी सेक्टर 17 की मार्केट। ये है हमारी सेक्टर 17 की मार्केट और जैसे कि अब आप देख सकते हो कि ये इतनी ज़्यादा खाली है। कभी किसी टाइम में ये पूरी मार्केट बहुत ज़्यादा भरी रहती थी, यहाँ पर बहुत रश रहता था। रीज़न क्योंकि अब मॉल्स हैं और मॉल्स में इतने सारे के सारे ब्रांड्स हैं वहाँ पे, तो इस मार्केट में जनरली लोग कम आते हैं और मॉल में ज़्यादा जाते हैं। बट दिस वॉज़ अ वेरी फेमस मार्केट इन चंडीगढ़। हे गाइस, सो अभी मैंने आप लोगों को दिखाई सेक्टर 22 और सेक्टर 17 की चंडीगढ़ की मार्केट और अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या वहाँ से लिया है। सो शुरू करते हैं चंडीगढ़ का शॉपिंग हॉल। सो अभी क्योंकि सीज़न है विंटर, तो मैंने बहुत सारा विंटर स्टफ़ लिया है और मैंने सुना है पंजाब का, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर का गर्म कपड़ा बहुत अच्छा होता है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली हैं, अपने लिए ली हैं, बाकी सबके लिए फैमिली के लिए ली हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ली है ये जैकेट, ये है मैडम की जैकेट, आपने मेरे एक ब्लॉग में भी देखा होगा। और ये आप देख सकते हो ब्लैक कलर की जैकेट है, सुपर सुपर वार्म जैकेट है ये। इस तरह की जैकेट मेरे पास एक्चुअली थी नहीं जो इतनी ज़्यादा गर्म जैकेट हो, और मैं ये हिल स्टेशन या किसी एरिया में जहाँ पे स्नो भी है ये वहाँ तक भी मैं पहन सकती हूँ, तो मैंने इसीलिए ये जैकेट ली है। और दिस इज़ लाइक अ लॉन्ग जैकेट, इफ यू कैन सी, नॉट वेरी लॉन्ग, लाइक नॉर्मल। और इतनी मोटी जैकेट है, इसका वेट ही होगा आराम से 4-5 किलो का, तो ये बहुत ज़्यादा मोटी जैकेट है। तो ये मैंने ली है मैडम से, ये थी मेरी फर्स्ट शॉपिंग वहाँ से। और मुझे वहाँ के स्टोर पे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री मुझे एक ये गिफ्ट दिया है, विच इज़ सो वेरी स्पेशल। आप देख सकते हो नियॉन कलर का है ये स्वेटर, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप चूज़ कर सकते हो अपनी पसंद का कोई भी एक सॉलिड कलर का स्वेटर। उनका एक सेक्शन था जहाँ पे वो मुझे ले गए और उन्होंने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट किया है, सो दिस इज़ रियली स्पेशल। मैं वहाँ पे ब्लॉग करी थी तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं वहाँ पे ब्लॉग कर रही हूँ, तो वो मुझे उन्होंने मुझे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ये गिफ्ट दिया है। सो थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। फिर मैंने ये सेक्टर 22 की मार्केट से लिया है मैंने ये एक सूट, ये है कश्मीरी कढ़ाई का सूट है, ये गरम सूट है, ये मैंने अपनी मॉम के लिए लिया है। आप देखो ये पूरा इस पर कढ़ाई है, इसके साथ में नेवी ब्लू कलर का, इफ यू कैन सी, नेवी ब्लू कलर का कढ़ाई और है इसके ऊपर, और ये इसका इस कलर का नेवी ब्लू कलर का सलवार का कपड़ा है। उसके अलावा इसमें साथ में है ये स्टॉल, तो ये मैंने अपनी मॉम के लिए लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये सेक्टर 22 मार्केट से ही ये एक गरम कुर्ती, लाइक सुपर वॉर्म, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इस कुर्ती का, ये मैंने ली है अपनी मदर इन लॉ के लिए, और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इस कुर्ती का, आई रियली लाइक इट। एंड इसके साथ में लिया है मैंने ये प्लाजो, ये भी गरम प्लाजो है, तो ये पूरा सेट है जो मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए लिया है।
उसके बाद मैंने लिया है ओके 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 या फिर मैंने ली है ये ओके लाइक दिस. सो दिस इज लाइक आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, श्रग की तरह, कफ्तान श्रग, आई डोंट नो एग्जैक्टली इसको क्या कहा जाता है, बट ये मैंने एक लिया है और मुझे मैंने लिया ये बेसिकली इसकी वजह से क्योंकि ये गले पे ऐसे आ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो दिस आई बॉट फॉर माई सेल्फ. और मैंने क्या लिया है, हाँ ये मैंने लिया है नमन की मासी जी के लिए. तो ये भी गर्म सूट है और सिंपल सूट है लेकिन गर्म है, अच्छा वार्म सूट है, तो ये मैंने उनके लिए लिया है. और मैंने क्या लिया है, यस दिस आई बॉट फॉर माई नीस. सो दिस इज म्याऊ, तो ये मैंने लिया है एक. और ऑफकोर्स यस, अगर आप पंजाब गए हो और आपने पंजाब में जाके जुतियाँ नहीं ली तो फिर क्या फ़ायदा. तो मैंने एक जुतियों का सेट लिया है, ये प्रिंटेड है, अगर आप देख सकते हो इस पर प्रिंट बना हुआ है, तो ये प्रिंटेड जुतियाँ मैंने ली हैं और अब मैं वेट कर रही हूँ कि कब समर्स आएंगी और मैं ये पहन पाऊँगी. और मैंने ले ली जुतियाँ, वैसे ऑनेस्टली मैं जुतियाँ बहुत कम ले पाती हूँ क्योंकि मेरे पैर पे ना सूट नहीं करती हैं, तो ये बाई चांस बहुत अच्छी लग गई, बहुत अच्छी फिटिंग की आ गई, नहीं तो मेरे पैरों पर जुतियाँ कम ही जचती हैं तो मैं इसलिए कम लेती हूँ. तो ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली. और यस दिस आई बॉट फॉर माई सेल्फ, ये मैंने लिया है अपने लिए, ये भी गरम कुर्ता और प्लाजो सेट है. ये मैंने ऐसे ही घर पे पहनने के लिए लिया है क्योंकि मैं ज्यादातर विंटर्स में ट्रैक सूट और ना गरम इस तरह की चीजें ज्यादा पहनती हूँ, जीन्स हो गई या गरम जेगिंग्स एंड ऑल, लेकिन मैंने प्लाजो सेट नहीं था मेरे पास में तो मैंने इसलिए ले लिया घर पहनने के लिए, क्योंकि इस बार तो हम कहीं जा भी नहीं रहे विंटर्स में, घर पे ही हैं, तो ये घर पहनने के लिए लिया है मैंने. और मैंने लिया है एक ये स्टॉल, दिस इज वेलवेट स्टॉल और देख सकते हो. तो मेरे पास इस कलर का एक ब्रोकेड का सूट है तो मैंने उसके साथ के लिए ये लिया है, किसी वीडियो में आपको वो ब्रोकेड सूट भी दिखाऊंगी. तो ये मुझे बहुत ही अच्छा मिल गया, कलर भी मुझे इस तरह का ही चाहिए था उस सूट के साथ में. तो दिस आई बॉट फॉर माई सेल्फ. और मैंने क्या लिया है, और हाँ एक मैंने लिए थे ये आपने मेरी वीडियो में भी देख लिए होंगे क्योंकि ये मैंने वहीं से लेके वहीं पे ही पहन लिए थे. तो दिस आई बॉट फॉर माई सेल्फ, मुझे एज यू ऑल नो मुझे सिल्वर इयर रिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने एक वहाँ से खरीद ली है. सो गाइज ये था मेरा चंडीगढ़ शॉपिंग वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको मार्केट दिखाई चंडीगढ़ में और जहाँ से मैंने जो चीज़ें ली हैं वो आपको दिखाई. तो अगर आप चंडीगढ़ में हैं तो आप सेक्टर 22 की मार्केट को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, आपको वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी. मैं विंटर्स में गई हूँ लेकिन अगर आपको भी समर्स में विंटर्स में कहीं पर भी जाते हैं, इट्स लाइक दिल्ली का सरोजनी नगर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सस्ते सस्ते बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी. तो अभी तो मैंने सिर्फ यही लिया है और मैंने आपको दिखाया. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय.